हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्लैक चने की करी। इसके लिए मैं अपने गार्डन फ्रेश टोमेटो लूँगी और कुछ अनियन भी रेडी हो गए हैं, अनियन भी ले लूँगी। ये देखिए, अनियन भी मेरे रेडी हैं। फ्रेंड्स, इस रेसिपी के लिए हम चने को रात से भिगो के बॉईल करके रख लेते हैं और मैं इसमें हैंड ग्राइंडर का यूज़ करूँगी। देखिए, ये स्टोन का है। इस बार मैं अपनी इंडिया ट्रिप में थी तो मैं इंडिया से इसको लेके आई। मैंने यहाँ पे सब कुछ चॉप करके रखा है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें 2-3 लहसुन, एक छोटा टुकड़ा अदरक का और थोड़ा सा इसमें टर्मरिक भी है कच्ची वाली, और ये होल गरम मसाला है। तो पहले मैं अदरक लहसुन और टर्मरिक को अच्छी तरह से पीस लूँगी। फ्रेंड्स, मुझे इस स्टोन की बहुत शौक़ थी तो मैं इस बार इसे इंडिया से लेके आई और लकीली मुझे छोटा मिल भी गया। इसमें पीसे हुए मसाले की बात ही अलग होती है। ये होल गरम मसाला है। अब मैं इसे भी इसके साथ पीस लूँगी। अब मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी साथ में पीस लूँगी। ये सारी इंडियन चीज़ें हमें कनाडा में नहीं मिलती हैं, मिलती भी हैं तो पता नहीं चलता कहाँ मिलेगी। मैं इंडिया से लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, देखिए सब कुछ, सारे मसाले रेडी हैं। अब मैंने पैन में ऑयल लिया है 1 टीस्पून, फिर मैंने इसमें अनियन डाल दिया है। फ्रेंड्स, मैं ज़्यादातर मसालों को ड्राई रोस्ट ही करती हूँ, ऑयल कम यूज़ करना अच्छा रहता है। ये पिसा हुआ मसाला ये डाल लेंगे और एक बे लीफ भी मैंने साथ में डाल दी है। इस तरह से हम इसे भून लेंगे पूरा। अब ये चने का जो पानी था, बॉईल हुआ चना, वो भी मैं इसमें थोड़ा सा डाल दिया है। अब मैं टमाटो प्यूरी इसमें डाल दूंगी। देखिए, मस्त कलर आ रहा है क्योंकि हाथ से ग्राइंड किए हुए मसाले हैं और खुशबू भी बहुत बहुत अच्छी आती है। हम इसे 5-5 मिनट के लिए 3 बार पकाएंगे बीच में और चलाते रहेंगे हाथ से। अब मैंने इसमें बॉयल पोटैटो डाल दिए हैं। अगर आपको ओनली चने की खानी है सब्जी तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें ड्राई मसाला डाल दूंगी। देखिए, टर्मरिक है इसमें, धनिया पाउडर है, चना मसाला है, काला नमक है और थोड़ा सा और बॉयल वाटर मैंने ले लिया है। ये चने का ही वाटर है। इसको पका के जो ब्राउन निकला था ना फ्रेंड्स, ये वही वाटर है। इसको फेंके नहीं, इसी में सब्ज़ी को, मसाले को बनाने में इसको यूज़ हो जाता है। आज लकीली वेदर भी बहुत अच्छा है इसलिए मैंने आउटडोर कुकिंग करने की सोची। अब देखिए, बॉयल चना मैंने इसमें डाल दिया है। चने ऑलरेडी कुक हैं तो ज़्यादा इसे पकाने में टाइम नहीं लगेगा, सारे मसाले मिक्स हो जाने चाहिए। मैंने इसमें मिंट डालना है और थोड़ा धनिया, जिसमें फूल आया रहता है, उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती, तो मैंने अपने गार्डन से इसे तोड़ लिया है। ये धनिया ले रही हूँ, फूलों वाला धनिया होता है ना फ्रेंड्स, इसकी खुशबू बहुत बहुत अच्छी होती है। ऑलमोस्ट रेडी है हमारी करी। अब मैं पोटैटो मैशर की हेल्प से, देखिए, इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा जो चने हैं ना उसे क्रश कर लूँगी, जिससे हमारी ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी और आपस में पूरी मिक्स हो जाएगी। अब मैं बचा हुआ जो मसाले का पानी था ना, जिससे मैंने अपना स्टोन वॉश किया था, उसे अब डालूंगी। इसका भी फ्लेवर आता है फ्रेंड्स। अब देखिए, ये करी तैयार हो रही है। मैं इसमें मिंट और कोरिएंडर अभी डाल दूंगी। मैं इसमें 2 सीक्रेट मसाले सबसे लास्ट में डाल रही हूँ। ये है थोड़ा सा
मीट मसाला और थोड़ा सा चाट मसाला, ये हाफ हाफ टीस्पून है। अब इसे मैं लास्ट में डाल दूंगी। फ्रेंड्स, इंडिया का स्वाद कनाडा में लाना मुश्किल तो बहुत है, हाँ, लेकिन नामुमकिन नहीं है, आप कर सकते हैं। अब मैं इसे सर्विंग डिश में लगा रही हूँ। खुशबू बहुत अच्छी है, ये ना तो ढाबे स्टाइल का है ना रेस्टोरेंट स्टाइल का, ये है मेरी स्टाइल का। ये करी रोटी के साथ भी चलेगी और राइस के साथ भी चलेगी। हाँ, राइस के साथ खाना है तो उसे ज़्यादा ग्रेवी ना होने दे, थोड़ा पतला ही रखें। अब इसे गार्निश तो कोरिएंडर के साथ ही करेंगे, वो आप सबको पता है। अनियन रिंग्स इसके साथ बहुत अच्छे लगते हैं, आप छोटे छोटे अनियन रिंग्स काट के इसे डेकोरेट कर दीजिए। रेडी है हमारा गरम गरम ब्लैक चना करी। थैंक यू।